अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग को मैं यूनिटी 230 प्लस का डेमो देना चाहता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि फर्स्ट आप लोग इसका ये जो कॉर्नर है, इससे आप मुख्तलिफ चीज़ों को चेकिंग करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो करंट है वो देखने को आपको मिलता है, और इसमें जो है ये ऑप्शन है, और आपको ए सी डी से क्लैंप है, ए सी भी है और डी सी भी है, और इसके साथ आपके पास ये एक, अगर आपको इसका प्रोब लगाएं और प्रोब के साथ ये प्रोब मैंने लगा लिया, अगर इस तरह ये ऑन हो, एक और फीचर इसमें शामिल है, अगर ये ऑन हो मुख्तलिफ सेकंड्स के लिए तो ये एक अलार्म देगा आपको, और ये फीचर जो है ये इसको ऑफ करने के लिए, ये मुख्तलिफ डायोड्स चेकिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो है ये हमारे पास डीसी वोल्टेज, आपका अगर डीसी बैटरी का जो डीसी करंट है इससे आप चेक कर सकते हैं, और ये हमारे पास एसी करंट है, और एसी करंट के साथ हमारे पास हर्ट्ज भी है, अगर आप चेक करें तो इसे हर्ट्ज भी आप चेक कर सकते हैं, और ये भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के बाद हमारे पास ये हर्ट्ज एंड परसेंटेज है, और ये हमारे पास एम्पियर है जो क्लैंप के लिए यूज़ होता है। क्लैंप का ये साइज़ बहुत ज़्यादा है, आप कह सकते हैं मोटी वायर्स को भी वो करें, कनेक्शन देख ले, और इसके बाद हमारे पास जो है वो ये एम्पियर है, 400 एम्पियर यानी 40 एम्पियर से लेकर 400 एम्पियर तक हम लोग इसका देख सकते हैं, कनेक्टिविटी देख सकते हैं क्लम्प के हिसाब से, सही। और ये जो है ये वायर का कनेक्टिविटी आपको शो करता है कि इसमें हमारे पास वो है कि नहीं। अभी इसमें दो फंक्शन है, ये फाइव का फंक्शन है, एक जो पॉजिटिव पोल होता है, अगर हमारे पास कोई सॉकेट हो तो इस सॉकेट में करंट मौजूद होगा, इसका जो देखे ये आपको शो करेगा, इसमें नहीं है, इसमें हमारे पास करंट है, और इसके साथ भी ये डायरेक्ट भी शो कर सकता है आपका, तो ये इसका दूसरा फंक्शनलिटी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ गया। देखिए दोस्तों, एक और हैक निकाल लेता हूँ, मैंने इसका सिम बदल लिया, और इसके साथ मैं ये वायर भी इसके साथ अटैच कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए पकड़ने के लिए ये हमारे पास इस तरह भी हम लोग पकड़ सकते हैं, और उसके साथ अगर हैंगर होना चाहिए तो हैंगर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आवाज़ भी आ रहा है पीछे, तो ये जो चीज़ है उसको साइड में रख कर ये जुगाड़ मैंने किया, उसको इस तरह लाए, इधर ला लिया है, इस तरह लगा कर इसका पीछे जो है इसका क्लिप जो है वो बंद कर लेता हूँ। दोस्तों एक और इसमें फंक्शन वो है कि ये हम लोग अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें, हर एक फंक्शन को अगर ये मैं चेंज करना चाहता हूँ तो इधर हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट, अगर आप देखें इधर लाइट ऑन कर लेता आप देख ले, अगर ये ऑप्शन है तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर से
चेंज कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट से आप इसको मुख्तलिफ हर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है इसका जो मुख्तलिफ तीन ऑप्शन है इसमें, ये हमारे पास ओम इसका चेक कर सकते हैं, ये इसके साथ कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, और इसके साथ न्यूट्रल में फेस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये तीन ऑप्शन इसमें है। इसमें इसी तरह एसी डीसी चेंज करने के लिए, और इसमें हर्ट्स भी चेंज कर सकते हैं वोल्टेज, और ये हर्ट्स वोल्टेज और ये ऑफ। इसलिए हम लोग एक और काम कर सकते हैं, जो कनेक्टिविटी है वो इस वायर का कनेक्टिविटी में भी चेक कर सकते हैं, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जो ऑप्शन है वो दबा रहा हूँ, ये सही, ये इसका ये ऑटोमेटिकली आ रहा होंगे, जिधर डिसकनेक्ट हो तो आपको बताया कि इधर डिसकनेक्ट, ये दो ऑप्शन इसमें है। हम लोग चेक करेंगे किस तरह इस मीटर से हम लोग एक बैटरी का, इसमें एक और फंक्शन भी है जो हम लोग इस तरह प्रेस करके इसका लाइट भी ऑन कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोग डीसी पे आते हैं, और इस बैटरी का जो ये नेगेटिव नेगेटिव पे और पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, ये जीरो पे सेट हो गया। देखिए इसमें करंट जीरो करके बैटरी का चार्ज मेरे ख्याल से कम हो गया है, इसके लिए वन पॉइंट फाइव देखा रहे हैं, सही। तो ये एक बैटरी का हम लोग भी चेक कर सकते हैं, इसमें कितने इसमें करंट है, अभी इसमें करंट नहीं है। इसमें करंट नहीं है, दूसरा एम्पियर पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास डीसी एम्पियर भी है और एसी एम्पियर भी, दो एम्पियर है इसके साथ, हम लोग डीसी एम्पियर और एसी एम्पियर दोनों चेक कर सकते हैं। अभी एसी एम्पियर चेक करते हैं, लैंप को खोल कर हम लोग एसी एम्पियर चेक कर सकते हैं। देख लिया हमारे पास वायर है, इस वायर से हम लोग मैं उसका एम्पियर चेक कर सकता हूँ, कितना एम्पियर यूज़ कर, 1.5 एम्पियर। और अगर हमारे पास बैटरी हो तो बैटरी का डीसी एम्पियर, और इस एम्पियर को हम लोग पर इधर होल्ड भी कर सकते हैं। दूसरा अगर हमारे पास बैटरी हो, इस बैटरी का बैटरी के भी एम्पियर से कर सकते हैं, मगर इसका डीसी एम्पियर देखिए। एक और कमाल की बात इसमें यह है कि हर एक प्रोब के साथ इसका यह होता है कनेक्टर आता है, तो काम यूज होने के बाद इसको आप कनेक्ट ये इसका ढकना लगाएं, क्योंकि ये जंग लगता है पर ये सही कनेक्टिविटी तक नहीं दिखाता। तो इसके लिए हम लोगों ने सोच कर रखा है कि ये हमेशा आपको जब यूज़ करते हो तो उसका एक अलग है ढकन लगाए।
तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका ढक्कन लगा कर इसको फोल्ड करके आप इसके पाउच के अंदर लगा, इसके पाउच के अंदर जो है वो हम लोग इसको रख सकते हैं, महफूज करके।